नहीं। देखिए दोनों फिर शुरू हो गए। सच में भाई बहन को हर बात के लिए लड़ना जरूरी है, चाहे वो आखिरी शुगर डोनट क्यों ना हो। पता नहीं इस मुश्किल का हल कैसे होगा। अरे जरा ये तो देखो, वापस आ जाओ प्यारे डोनट। डिनर तैयार है बच्चों, तो चलो चुनौती शुरू की जाए। ए, रास्ते से हटो क्रिस, मैंने इसे पहले देखा था। ओके ओके, तुम वो वाला ले लो। अरे लगता है क्लोई को मिला है स्निकर्स का छोटा सा पैक, पर इसका मतलब है क्रिस को मिला होगा। कुछ भी नहीं, ये तो खाली है। अरे नहीं, ये आवाज कैसी। एक मिनट, वाओ, ये रहा क्रिस का बड़ा धमाका। वाह मेरी जान, कहाँ थी तुम अब तक, मैं कब से तुम्हारे सपने देखा करता था। थोड़ा सा दे दो भैया। चलो इस बड़े से चॉकलेट बार को खोला जाए। आज तो क्रिस का सबसे बड़ा सपना पूरा हुआ है। उसके और उसकी कैंडी के बीच कोई नहीं आ सकता, चम्मच और कांटे भी नहीं। क्लोई, अब तुम अपनी चॉकलेट खा लो बेचारी। एक तो सा ले लूं भैया। चल हट। पर क्लोई इतनी जल्दी हार नहीं मानेगी। हर चीज बिना पूछे खत्म कर जाती है, पर इस बार चॉकलेट की कोई कमी नहीं। अरे वाह क्रिस, तुम्हारे घर स्निकर्स बेबी आने वाला है। इसके बाद वर्कआउट जरूरी है क्रिस। पहले उठने में मेरी मदद करो। खींचो एक बार और। छोड़ो, पहले बची हुई चॉकलेट निपटा दो। वाह चुनौती की एक और प्लेट, ये क्या हो सकता है। ये मेरी है। सोचना भी मत। हमेशा बच्चों की तरह लड़ते रहते हैं ये दोनों। एक बड़ा सा लॉलीपॉप। हम देखते हैं क्लोई के हाथ क्या लगा है। एक छोटा सा टॉयलेट जिसके साथ जुड़ा हुआ है एक लॉलीपॉप। तुम्हारी वाली मेरी के सामने कुछ भी नहीं। हाँ पर मेरे पास क्या है पहले वो तो देखो। अरे वाह, लॉलीपॉप को डुबोने के लिए स्प्रिंकल्स, क्या बड़ी आइडिया लगाया है। बिड़ू, तुम्हारा कुरियर आया है। हेलो कुरियर वाले भैया, आप क्या खास लाए हो। अरे क्या बात है, एक बड़ा सा गुलाबी टॉयलेट। ये क्यों ले जाए, कहीं ये वो तो नहीं। नहीं बिल्कुल नहीं, पर लग तो वैसा ही रहा है। ये तो चॉकलेट लगती है। सच में क्रिस, तुम्हारी दाद देनी पड़ेगी। ऐसी दिखने वाली चीज के मैं आसपास भी ना जाऊं। सही कह रही हूँ ना मैं क्लोई। तो हो जाए, 3 2 1 खोलो। अरे वाह क्लोई को मिले हैं बाउल भर के लजीज और नरम मार्शमेलोस, जबकि बेचारे क्रिस को मिला है बस एक से 13 क्या होगा रे सांभा। अरे वाह ये आया ना फर्स्ट क्लास आइडिया। पर इस वक्त क्लोई बना क्या रही है, और क्रिस को बस यही तो मौका चाहिए था, और इसी बहाने लगता है उसे और कुछ मार्शमेलोस खाने को भी मिल जाएंगे। और काम बन गया। यकीन नहीं होता। ए छुओ मत। अरे वाह क्रिस को इस बड़े मार्शमेलो को और बेहतर करने का आइडिया आया है। जी हाँ अब मार्शमेलो की होगी भुनाई। रुको उसे जलाओ मत। कोई फायर ब्रिगेड को बुलाओ। ओए आग कितने लगी है, ओ कुड़िया जा मैं अपना काम करन दे। शुक्र है आग तो बुझ गई, पर दोनों भाई बहनों को देखकर लग रहा है कोयला मास्क लगाया है। और अब तो मार्शमेलो भी खाने लायक नहीं बचा है। तो इससे तुमने क्या सीखा क्लोई और क्रिस, यही कि जो भगवान ने दिया है उससे संतुष्ट हो जाओ और लालच मत करो। अच्छू। अच्छू। अरे ये क्या है। ओ, मैं विशाल हूँ। ये आवाज कैसी। अरे वाह मच्छर क्लोई। बस करो मजाक मत उड़ाओ, हमें नॉर्मल बनाओ।
अब तो आपस में झगड़ा नहीं करोगे ना? ओफ, इन प्लेट्स में अब क्या हो सकता है? ये तो खाली है। मेरी वाली भी खाली है। हैरान हो गए? क्या तुम्हें किसी जहाज की आवाज सुन रही है? अब उनका बच्चा तो बिड़ू। ऐसा लगता है जैसे पायरेट तुम्हारे लिए समुद्र के कुछ तोहफे लाए हैं। तो इंतजार किस बात का? इन्हें जल्दी खोलो। क्या ये किसी पायरेट की असली आंख है? ओहो, क्लोई को तो ऑक्टोपस की आंख मिली है। क्या ये खाने लायक हैं? लगता है हिम्मत तो करनी ही पड़ेगी। हमेशा मुझे क्यों छोटी चीज मिलती है? और उससे मिलता है बड़ा सा खाना। वाह, काफी टेस्टी है। नजरें तो घुमाओ क्लोई, लगता है कोई तुमसे दोस्ती करना चाहता है। अब बचाओ, ये तो ऑक्टोपस है, लगता है अपनी आंख का हिसाब करने आया है। डर गया तुम लोग? जैकी दादा भी बाज नहीं आएंगे। अरे ये क्या हो सकता है? खोल कर तो देखो दोस्तों। ये खाना तो नहीं है, है ना? ये तो कोई बटन जैसा कुछ है। तो एक बड़े सरप्राइज के लिए तैयार हो जाओ। अरे वाह, क्लोई के प्लेट पर आ गया है एक बड़ा सा केक, जिस पर है ढेर सारी मिठाइयाँ। और एक बार फिर बेचारे क्रिस की किस्मत में आया है एक अकेला मैक्रून। चलो आप टेस्टिंग शुरू की जाए। अरे क्रिस की हालत नहीं देखी जा रही। अरे क्लोई, इस छोटे चम्मच से तुम्हारा क्या होगा? पर क्लोई को एक बार फिर बढ़िया आइडिया आया है, पर उसके लिए पहले लगाने होंगे सेफ्टी गॉगल्स। और अब वक्त है हैप्पी बर्थडे टू यू करने का। और हो गया। वाह, तुम्हारी ट्रिक काम कर गई। कितने बढ़िया टुकड़े कटे हैं। बढ़िया। ये काफी टेस्टी दिख रहा है। मुझे थोड़ा मिल सकता है प्यारी बहना? बिल्कुल। अरे अरे क्लोई, उसे केक चखना था। तो अब क्लोई को भी जवाब मिल ही गया। सच में दोनों भाई बहनों की बदमाशियों का जवाब नहीं। एक नए खाने का वक्त हो गया है। और अब 3, 2, 1 शुरू हो जाओ। वाव, ये तो सुशी है। अपनी चॉपस्टिक तैयार कर लो दोस्तों। अरे क्या हुआ क्रिस, फिर से तुम्हारी प्लेट खाली है? फिक्र मत करो, तुम्हारी डिश लुढ़क कर आ रही है। क्या बात है, ये तो सुशी के पापा हैं। वाह, खाना हो तो ऐसा वरना ना हो। ये तो गलत बात है। इतनी बड़ी सुशी के लिए चॉपस्टिक्स भी तो भारी भरकम होनी चाहिए। लगता है इतनी बड़ी और भारी चीज खाना जितना आसान दिखता है उतना है नहीं। शांत हो जाओ क्रिस, चॉपस्टिक्स नहीं तो क्या हुआ? भगवान ने दो अच्छे खासे हाथ तो दिए हैं तुम्हें। थोड़ा सांस लोगी भैया? ओ शुक्रिया, कितना ख्याल रखती हो मेरा। अरे ये क्या है? बेचारा क्रिस, इतने से सोय सॉस से इतने बड़े वाले सुशी रोल का क्या हो गया? देख क्या रहे हो, क्लोई ने तो खाना शुरू भी कर दिया है। तो हो जाओ शुरू। बेचारा, हमसे इसका हाल देखा नहीं जा रहा। तुम्हारे लिए सोय सॉस। अरे ये तो मेरा सॉस आ गया। ओह, ये क्या है? अरे नहीं, चलो कम से कम तुम्हें अपना सारा सॉस तो मिल गया है ना क्रिस? छी, मेरी सुशी तो मछली की तरह सॉस में डुबकी लगा रही है। वही क्लोई आग बबूला हो रही है और यहाँ तो क्रिस बस अपनी सुशी ठूसने में लगा हुआ है। अरे अपनी आंखों को तो बख्श दिया होता क्रिस। हे कबूमर्स, आपको हमारा वीडियो कैसा लगा? क्या आपके पास खुद के कोई आइडियाज हैं? नीचे कमेंट्स में हमारे साथ शेयर जरूर कीजिए। और हाँ, ऐसी ही अनोखी कहानियाँ देखने के लिए लाइक बटन दबाना और कबूम को सब्सक्राइब करना मत भूलना। इसी बीच पेश है हमारे अनोखे ब्लूपर्स।
हम इन्हें सबसे स्पेशल मानते हैं। तो बस देखते रहिए और हम जल्दी ही फिर मिलेंगे।